हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय अदर व्लॉग, मीर द व्लॉग्स, आपका स्वागत है। टाइम की तरफ अगर अभी देखा जाए, टाइम कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है अभी 9 बजने वाले हैं और आज है 11th जनवरी और ट्यूसडे है। आज मेरे को मौसम पे बड़ा गुस्सा आ रहा है, बिकॉज वैसे तो नॉर्मली बारिश होती रहती थी और फिर उसने फॉगी कर दिया उधर उधर तो धुंध ही धुंध है। कहाँ होगा कब हम लोग आराम से धूप में खेलेंगे, कूदेंगे, इधर उधर जाएंगे, कब ये मौसम ख़त्म होगा। 9:15 से मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी शुरू हैं। अभी आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रहा हूँ, अभी मैं जा रहा हूँ दूध लेने, यही पास में ही बगल में ही दिखता है, तो दूध लेके आते हैं, आपको भी दिखाते हैं, ठीक है ना। देखिए कि ना ख़राब मौसम हो रहा है, धुआँ निकल रहा है मुँह से, धुएँ धुएँ। चलिए क्या करें, जल्दी से चलते हैं दूध लेते हैं। तीन सामान लेना है आज मेरे को, दूध, पनीर, साथ में ब्रेड। चलिए जल्दी से लेके उसके बाद घर पे चलते हैं। हमारा दूध डल रहा है डोलू में और उसके बाद हम लोग यहाँ से लेंगे ब्रेड, ठीक है ना। तो ये मैंने लिए, मैंने फ्रूट बंद लिए हैं, तो इन्हें भी लेते हैं, पनीर लेते हैं, घर चलते हैं। दूध मैंने ले लिया है, पनीर भी ले लिया है, ब्रेड भी ले लिया है, घर पे पहुंच चुके हैं हम लोग। आज तो लग नहीं रहा, आज पूरे दिन पे कुछ होगा, लेकिन चलिए तो आपको आगे आके पता लगेगा, व्लॉग में बने रहिएगा। फ्रेंड्स, अभी जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हूँ रोड पे, मैं आया हूँ साइकिल से कहीं जा रहा हूँ आपको एक नई जगह दिखाने। बहुत प्यारी सी है, मतलब एक्चुअली वो एक प्लांट है, वेरका प्लांट, वो जगह का नाम है वेरका प्लांट। तो हम लोग वहाँ पे चलते हैं, आपको दिखाते हैं वो कैसा है। और मेरे साइड में भी एक बहुत बड़ी सी फैक्ट्री है, थोड़ी बहुत बड़ी सी फैक्ट्री है मेरे साइड में भी। चलते हैं वहाँ पे और आपको दिखाते हैं वेयर का प्लांट कैसा है, वहाँ पे क्या क्या मिलता है, उसके बारे में थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो थोड़ा बहुत आपको रास्ते का नज़ारा दिखाता हूँ। 9.7 किलोमीटर पर आवर। ये एक बस टर्मिनल है, क्या आगे से थोड़ा दिखाते हैं। ये एक बस टर्मिनल है, इसका नाम बाबा बंदा सिंह बहादुर ISBT है, ठीक है ना। बहुत प्यारा सा मतलब बस स्टैंड है, एक तरह से स्टैंड ही है, ठीक है ना। बाकी फिलहाल तो ये बंद पड़ा हुआ है, बाकी ये देखिए यही है पूरा का पूरा बस स्टैंड। बहुत ऊंचा है, ऊपर पंजाबी में भी लिखा है, नीचे भी पंजाबी में लिखा है और उसके नीचे भी लिखा है इंग्लिश में। और वो देखिए मेरे सामने ही है वेरका का पूरा प्लांट। जल्दी से वेरका के प्लांट पे चलते हैं, उसके बाद आपको मिलते हैं। फ्रेंड्स, अभी मैं हूँ वेरका के पार्लर में, वेरका पार्लर है यहाँ का नाम, एक तरह से मान लीजिए तो पार्क है, लेकिन ये पार्क नहीं है, इसका नाम वेरका पार्लर है। यहाँ पे आप कोई भी रिटेल का सामान थोड़ा बहुत ले सकते हैं और यहीं पर बैठ के अपना इंजॉय कर सकते हैं, थोड़ी देर खेल सकते हैं। जैसे वहाँ पर देख सकते हैं एंड में जिम भी है, तो लोग जिम भी करते हैं, थोड़ा बहुत शेड बनाए हुए हैं बैठने के लिए और बाकी सुंदर सा है वेरका। अब आप सोच रहे होंगे वेरका क्या है। वेरका एक्चुअली पंजाब का एक लोकल ब्रांड है जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाता है, जैसे कि दूध, मक्खन, पनीर। तो मैं यहाँ पे बहुत बार ही आ चुका हूँ, मम्मा पापा के साथ भी मैं आया हूँ। अभी मैं आया हूँ वहाँ पर बैठने, सीट को कर लेते हैं साफ और अब हम लोग बैठ के आपसे थोड़ी देर बातें करते हैं। अभी मैं आया हुआ हूँ, ठीक है ना, थोड़ा बहुत यहाँ पर कुछ सामान लेते हैं, थोड़ा कुछ खाती है पीते है। ऐसे तो मैं यहाँ पे मम्मा पापा के साथ आता हूँ हमेशा, उनके साथ ही आते हैं, कुछ खाते हैं। यहाँ की खीर मैंने खाई है बहुत बारी, बहुत टेस्टी होती है यहाँ की खीर। मैं आपको थोड़ा बहुत वेरका प्लांट जो पार्लर है और प्लांट है वो थोड़ा बहुत आपको दिखा देते हैं, ठीक है। यही है वेरका का जो पार्लर है, वेरका पार्लर, यही है पार्क। और मैं भी अभी एक बैठा हूँ शेड में आराम से, और वो देखिए वहाँ पर कुछ कुछ स्टैचूज बने हुए हैं, जिम है, और वहाँ पर कुछ पुतले भी बनाए हुए हैं, और इधर भी कुछ पुतले हैं, झूले भी हैं जो कुछ लोग झूल रहे हैं, सब मज़े करते हैं। और वो है ये जो बिल्डिंग है, ये है वेरका, मतलब यहाँ से आप कुछ कुछ रिटेल का सामान ले सकते हैं, यहीं पे बैठ सकते हैं, यहीं पे खा सकते हैं आराम से, वो उस जगह से वो जो सामने है वहीं से आप ले सकते हैं। और स्टैचूज हैं। फ्रेंड्स, मैंने कुछ सामान ले लिया, एक खीर ली है और दो जूस की बॉटल ली हैं। दो तो मैं नहीं पीऊँगा, एक ही पीऊँगा, एक किसी और के लिए, वो भी आपको आगे व्लॉग में पता लगेगा किसके लिए है। तो चलिए बैठते हैं और आपको दिखाते और आपको बताते हैं कि खीर का टेस्ट कैसा है यहाँ वाला। मेरा पोपट हो गया मैं सारा सामान तो लेके आ गया खाने पीने का, लेकिन एक्चुअली मैं स्पून ही नहीं लेके आया, तो मैं खीर किससे खाऊंगा तो अभी मैं फिर से जा रहा हूँ, जल्दी से उनसे एक स्पून मांगते हैं, ठीक है ना,
स्पून मांगते हैं, फिर खाएंगे, उसके बाद आपको बताएंगे। ये रही मेरी खीर और ये रहे मेरा स्पून। मैं फिर से स्पून लेके आया था क्योंकि मैं भूल गया था। तो धीरे इसको खोलते हैं। बाप रे, एक तो यहाँ पे ना डर भी लगता है इसे खोलने में कि गिर विर गया तो भाई मस्त। ये देखिए खीर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एकदम टेस्टी सी हो रही है, बहुत टेस्टी है। वो तो देख के लग रहा है क्योंकि मैं यहाँ पे मम्मा पापा के साथ पहले, ये टेबल हिल रहा था अभी। एक्चुअली मैं मम्मा पापा के साथ यहाँ पे पहले भी काफ़ी बार आ चुका हूँ। अभी मैं बहुत पहले से आता हूँ मम्मा पापा के साथ, छोटा था तब से आते थे हम लोग यहीं पे बैठ के खीर खाते थे, जूस वूस पीते थे और फिर यहाँ से चल जाते थे। और वैसे भी हमारे घर से अब बहुत पास है, पहले थोड़ा सा दूर होता था लेकिन अब बहुत पास है। एक मिनट, मेरी पहली बाइट देखते कैसी है। अमेजिंग। जल्दी जल्दी खीर ख़त्म करते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। काश मेरे मम्मा पापा भी होते साथ में, कितना मज़ा आता। मम्मा पापा मामा मामी सब होते, बहुत मज़ा आता फिर। लेकिन चलिए, अकेले साइकिलिंग करते करते आना भी अलग बात है, अलग फील आता है उसमें भी। कभी ना मैं मम्मा पापा मामा मामी सब आएंगे और यहाँ पे चैलेंज लगाएंगे, हर एक पास एक एक खीर का डब्बा होगा और एक एक लस्सी या जूस, जूस भी उनको चाहिए, उनके पास वो होगा और उन्हें देखने के लिए जल्दी ख़त्म करते हैं। सोचेंगे कभी ना कभी फिर से चैलेंज लगाएंगे, ठीक है ना। मम्मा पापा के लिए कुछ लेते हैं थोड़ा, आपको और वेका प्लांट थोड़ा उधर से जो वेका की फैक्ट्री है वो आपको थोड़ा दिखा देते हैं। यहाँ पे जहाँ पे मैं हूँ ये है वेका का पार्लर और इसके उसी तरफ बैक साइड में मेरे वो पूरा का पूरा है फैक्ट्री वेका का, वहीं से सारे के सारे प्रोडक्ट्स बन के जाते हैं। और वेरका पंजाब में भी सप्लाई करता है अपना पूरा का पूरा प्रोडक्ट्स और साथ ही साथ थोड़े बहुत इधर उधर मतलब बाहर भी अपने प्रोडक्ट्स वो सप्लाई करता है। तो चलिए जल्दी से आपको था वेरका का फैक्ट्री दिखाते हैं, उसके बाद यहाँ से निकलते हैं। मम्मा पापा के लिए और दीदी के लिए मैंने ले लिया कुछ कुछ सामान और अभी मैंने मैं पार्लर में से निकल चुका हूँ। चलिए अभी थोड़ा बहुत आपको फैक्ट्री दिखा देते हैं, वेरका की फैक्ट्री कैसी है। जैसे कि अभी आप सामने देख सकते हैं कि एक ट्रक आया है दूध के साथ, तो वो दूध निकलेगा, सारे पैकेट्स अनलोड होंगे और फिर वो जाएगा फैक्ट्री के अंदर। और फैक्ट्री के अंदर ही फिर सारा जितना भी मतलब डेयरी के प्रोडक्ट्स होते हैं फिर वो सब बनेंगे एक तरफ से। कि जैसे कि वो देख सकते हैं कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स साइड में बनी हुई है, फैक्ट्री है वो सारा वहाँ बहुत आगे तक, यह बहुत लंबा है, ठीक है ना। वो देखिए वहाँ पर भी है। और अभी मैं हूँ मेन रोड पे, तो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं और फिर आपको रास्ते में मिलते हैं।